An Academy. Let's crack it. Hi guys, welcome to An Academy. So guys, profit and loss में बहुत सारे formulas होते हैं, तो बहुत tension होती है कि कई बार इतने formulas याद रहेंगे या नहीं. Percentage के concepts हैं, उसको orally कर सकते हैं. कैसे? जैसे मान लीजिए मैं आपको selling price दे रही हूँ 26,000, ठीक है? और मैंने आपको बोला मुझे profit हुआ है 30% का, ठीक है? अब इतनी सिंपल सी चीज है कि अगर मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ, मतलब मैं उसको 30% ज्यादा पे बेच रही हूँ कॉस्ट प्राइस से, राइट? मैं क्या बोल रही हूँ, अगर 30% का प्रॉफिट है तो मैं उसको 30% ज्यादा पे बेच रही हूँ कॉस्ट प्राइस से. तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज बेसिकली 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस, और आई कैन से सेलिंग प्राइस इज 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो गाइस, कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस जो कि मेरी 26,000 है. 26,000 इज इक्वल टू 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो यहां से आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 20,000. दैट विल बी द आंसर. मतलब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना, जस्ट आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट याद रखना है. थैंक यू गाइस, बाय एवरीवन.